देना मेरा रब अल्लाह है। इस पर इस्तकामत के मानी क्या होंगे? अब अल्लाह का हर हुक्म वाजिबुल तन्फीज, वाजिबुल तामील, वाजिबुल इताअत, वरना इस्तकामत कहां हुई? जो शख्स राजी हो गया, जिसका दिल ठुक गया कि अल्लाह मेरा रब है, मोहम्मद मेरे रसूल है और इस्लाम मेरा दीन है, अगर ये कैफियत हो गई है तो अब मोहम्मद का, अल्लाह का, इस्लाम का, कुरान का कोई हुक्म ऐसा न हो कि जिसे पसे पूछ डाल दिया जाए। ये इस्तकामत इताअत। फिर एक इस्तकामत बातनी है, अल्लाह की रजा पर राजी रहना, जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। हमारे वालिद साहब एक वाक्य सुनाया करते थे, एक थे अल्लाह के बंदे वलीउल्लाह सूफी, उनके दो जवान बेटे थे, इंतहाई खूबसूरत सुर्खो सफेद रंगत, और एक दिन में दोनों बच्चे खत्म। हमारे वालिद साहब बताते थे कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि जब लोग गए हैं, मैं भी गया हूँ, मैंने देखा कि हजरत जी उनके चेहरे पर मलाल का कोई असर नहीं था, उसी तरह दबकता हुआ चेहरा, उसी तरह खुशो-खुर्रम। लोग कहते थे हुजूर बड़ा अफसोस है। भाई अफसोस का है का? अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह कुछ दे दे तो इतराया ना करो, कुछ छीन ले तो अफसोस ना किया करो, अल्लाह ने छीना है, कोई हिकमत होगी। ये जब तक कैफियत नहीं है तो इस्तकामत का हो, रज़ाए रब पे राजी रहे, ये हर्फे आरजू कैसा, खुदा खालिक, खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा, रज़ाए रब पे राजी रहे, जो रज़ाए रब है उस पर राजी रहो, ये ऐसा हो जाना चाहिए, ये यूं हो जाना चाहिए, ये क्या हर्फे आरजू, वो होगा जो अल्लाह चाहेगा, तुम काहे की आरजू लगा कर बैठे हुए।